के विषय में बताए गए हैं, इसमें भाषा के भेद के बारे में पता चला है। भाषा के भेद मीन्स वर्ड्स ऑफ स्पीच। ये भाषा के भेद आठ होते हैं, कल हम पढ़ लिए ये आठ, फिर एक बार बताऊंगा। आज पहला संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन। और नेक्स्ट सर्वनाम, सर्वनाम माने प्रोनाउन। थर्ड वन क्रिया, क्रिया माने वर्ब। और चौथा वाला फोर्थ वन विशेषण, विशेषण माने एडजेक्टिव। दूसरा पांच वाला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण माने एडवर्ब। और चौथा वाला अव्यय, प्रीपोजिशंस, अव्यय माने प्रीपोजिशंस। सातवा वाला समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक माने कंजंक्शन। और आखिरी वाला आठवा विस्मयादि बोधक, एक्सक्लामेशन। फिर एक बार शुरू करूंगा। संज्ञा नाउन, और सर्वनाम, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण एडवर्ब, अव्यय प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेशन। ये आठ में से आज मैं संज्ञा के बारे में सुनाऊंगा। संज्ञा माने नाउन, नाउन का परिभाषा, परिभाषा मीन्स डेफिनेशन ऑफ नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर एक बार, संज्ञा माने नाउन, नाउन का परिभाषा, परिभाषा माने उसका डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, सीता, किताब, कलम, हैदराबाद आदि। फिर एक बार, उदाहरण, राम, सीता, किताब, कलम, हैदराबाद आदि। और कुछ वाक्य प्रयोग देखो आगे। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग मीन्स ये शब्दों को एक वाक्य में कैसा उपयोग कर सकते हैं। पहला, राम लड़ता है। इसमें राम और लड़का क्या होता है? संज्ञा। और दूसरा वाला, सीता लड़की है। ये सीता लड़की है, इस वाक्य में हमें सीता और लड़की दोनों क्या होता है? संज्ञा। तीसरा वाला, यह मेरा कलम है। इसमें कलम क्या होता है? संज्ञा। और चौथा वाला, वहां किताब है। इसमें किताब क्या होता है? संज्ञा। और दिल्ली बड़ा नगर है। इसमें दिल्ली और नगर दो शब्द क्या है? हमें संज्ञा कहते हैं। और सिक्स्थ वाला, हैदराबाद सुंदर नगर है। हैदराबाद और नगर दोनों संज्ञा है। इसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है पूरे। अब ऊपर दिए गए शब्दों में क्या क्या आए हैं एक बार और एक बार देखो। वाक्यों में राम लड़का, सीता लड़की, कलम किताब, दिल्ली और हैदराबाद आदि शब्द संज्ञा होते हैं। और आगे, संज्ञा में कुछ पांच भेद होते हैं। संज्ञा में, संज्ञा के कुछ पांच भेद होते हैं। पहला वाला, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मीने प्रॉपर नाउन। और सेकंड वाला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सन पर्सनल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने पर्सनल नाउन। तीसरा वाला, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा माने अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा वाला, समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समुदायवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। और पांचवा वाला, द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटीरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा मेटीरियल नाउन। और इसके आगे और संज्ञा के एक एक भेद का विवरण देंगे। पांच भेद में भेद है, वे है जातिवाचक संज्ञा। इससे पहले हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और आगे बताया सो है। इसमें पहला, जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा, परिभाषा माने डेफिनेशन। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होते हैं
वे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो महाजातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण, लड़का खेलता है, लड़की काती है। लड़का और लड़की ये जाति होते हैं। जाति में मीन्स पर्सन्स के ग्रुप रहते हैं, ग्रुप का जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, रामू खेल रहा है। सौम्या सो रही है। फिर एक बार पर्सनल नाउन ऊपर देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा पर्सनल नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, रामू खेल रहा है, सौम्या सो रही है। इसमें व्यक्ति कौन है? रामू और सौम्या। और तीसरा वाला भाववाचक संज्ञा, थर्ड वन भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख आते जाते रहे। और अच्छा बुरा पता होना चाहिए, अच्छा बुरा पता होना चाहिए। फिर एक बार भाववाचक संज्ञा, थर्ड वन भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, सुख दुख आते जाते रहते हैं। दूसरा वाला अच्छा बुरा पता होना चाहिए, ये तीसरा वाला। और चौथा, फोर्थ वन, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा माने कलेक्टिव नाउन, ऐसे शब्द को जो किसी गुण, विशेष, समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, सेना देश की रक्षा करती है। इसमें समुदाय सेना होता है, इसलिए फिर एक बार समुदायवाचक संज्ञा के बारे में। समुदायवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन, ऐसे शब्द जो किसी गुण, विशेष, समुदाय का या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सेना देश की रक्षा करती है। धन्यवाद।